कहाँ थे तुम दोनों? सब लोग इतने परेशान हैं यार। हाँ का वो रोमी को कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था। ये ईशु अभी तक बाहर नहीं आई, अंदर क्या हो रहा होगा और रहा जाने। अल्लाह जी, कितने सालों तक हमारे बच्चे पे पता नहीं कितने जुल्म हुए होंगे, हमें कुछ खबर ही नहीं। सही कह रहे हो तुलसी जी, हमारी इस बच्चे को दुनिया में पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। विश्वा, सब इन लोगों का फॉल्ट है। इन लोगों ने वो निधि को अपने घर में रखा था, इन लोगों के कारण रूही ईशु से दूर हो गई है। किसी ने रूही के बारे में सोचा ही नहीं, पूरा दिन घर में फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स। रूही गई निधि के पास, वो इन लोगों के पास रहना ही नहीं चाहती थी। ओए, तेरे पास रहना चाहती है वो? बोल, बड़ी आई हमें दोष देने वाली? जो सच है वही बोला है मैंने। रहने दे, बड़े देख लिए इन सालों में तुम सारों के सच। जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी बच्ची की और रमन की। और मेरी बच्ची, हमारी बच्ची हमसे हमेशा के लिए छीनी गई है। ओए, वो अपनी मर्जी से गई थी, इसका ब्लेम तू हमें देगी? हाँ, तूने। अम्मा, इनसे ना मुंह लग के कोई फायदा नहीं है, तमीज भी नहीं है इन्हें बात करने की। अच्छा, बढ़िया है हमें ढंग सिखाने वाली। अरे हम भी बहुत सालों से देख रहे हैं तुम लोगों को, हमारा घर उजड़ गया, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ा? कंट्रोल योर वॉइस, चलाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। उस्तानी होएगी ना तो तू अपने घर की होएगी, अपने टीचरी का रोब हमारे ऊपर नहीं जमाना। और जरा तमीज से गाल कर समझ आइए। तुम लोग आ गए? क्या बोला जज साहब ने? यही बोला कि हम अपनी रूही को ऐसे घर में क्यों लाना चाहते हैं, क्यों मांग रहे हैं अपनी रूही को वापस। हम अंदर जाके रूही के लिए लड़ाई कर रहे थे, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें रूही वापस मिल जाए। उन्होंने कहा हम किस तरह के परिवार में देना चाहते हैं रूही, एक डिसफंक्शनल फैमिली में। हम एक ऐसी फैमिली मांग रहे हैं रूही के लिए जो कि उसे खुश भी नहीं रख सकती है। मुझे लगा था वो गलत बोल रही है, लेकिन देखिए ना आप लोग अपने आप को, छोटी छोटी बातों पे तो आप लोग लड़ पड़ते हैं। आप लोगों की आपके ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम रूही को खो देंगे हमेशा के लिए, हमारे ईगो के कारण, हमारे लड़ाई झगड़ों के कारण। हमारी रूही दूर चली जाएगी हमेशा के लिए हमसे। नहीं, नहीं, मैं रूही को वापस बुलाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, हम नहीं लड़ेंगे पुत्र। तुम ठीक कहती हो कन्या, रूही हम सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें उसे एक अच्छा परिवार देना होगा ना। जज मैम ने कहा कि उन्होंने पहली बार हमें कस्टडी इसलिए दी थी क्योंकि हम एक खुशहाल परिवार थे। उन्होंने उन्होंने इस भरोसे के साथ दिया था हमें कस्टडी कि हम उसे हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन मैं अभी क्या बोलूं मेरी बेटी से जाके, हम उसको कैसा परिवार देने वाले? मैं उसको किस चीज का लालच दूं? मैं उसको ये बोलूं कि बेटा तुम हमारे पास आओगी, हमारे साथ रहोगी तो तुम हमेशा खुश रहोगी, हम तुम्हें नहीं है ना हम लोग खुश। उनका कहना है कि रूही फिर हमारे पास रहे या निधि के पास रहे, बात एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता इलेशो, हम उसको अच्छा परिवार देंगे, हम उसको एक हैप्पी परिवार देंगे, हम अपनी रूही को वापस ले आएंगे कन्या, मैं प्रॉमिस करती हूँ। दे पाएंगे हम लोग प्लीज रूही के लिए? हम सभी प्रॉमिस करते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं ना कि हमारी रूही खुश रहे हमारे साथ, और उसके लिए हमें आपस में प्लीज कोऑपरेट करना होगा, खुश रहना। मैं तो पक्का वादा करती हूँ मैं नहीं लड़ूंगी, कोई भी नहीं लड़ेगा। और जब ना रूही घर आ जाएगी ना तो वो देखेगी कि हम अब भी उससे कितना प्यार करते हैं, और हम आपस में भी सब प्यार से रहते हैं, कोई नहीं लड़ेगा पुत्र। इश्ता पुत्र, तू टेंशन ना ले, जैसा तू कह रही है वैसा ही होगा। हाँ इश्ता, आई प्रॉमिस, हम लोग बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, हम रूही को वापस खोने नहीं देंगे, है ना? ओए मद्रासन, इधर आ। लो जी, हो गई रूई वाली जप्पी, अब हम भी कभी झगड़ा नहीं करेंगे, है ना? ये सब दिखावा करके क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? और रमन पुत्र, कोई दिखावा नहीं है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जो ही प्लान करना है घर जाके करेंगे, सब लोग घर चलो। हाँ, भल्ला जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हम लोग एक परिवार हो गए और रूई को दिखाएंगे हम कितने खुश हैं। चलो रूई, हमें जाना चाहिए। देखो इस वक्त अका और जीजू को हमारी सख्त जरूरत है ना। प्लीज मेघा, मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ पे आया था, लेकिन उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगा। रूमी, आज तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन एक दिन तुम पलट कर वापस जरूर देखोगे। रूमी, तुम्हें अपने घर वापस आना होगा,
मैं तुम्हें घर वापस जरूर लेकर आऊंगी। क्या रूही का दिल जीतना होगा? हाँ शगुन, जज साहब ने बोला है कि इस दिनों में रूही को डिसाइड करना होगा कि वो किसके साथ रहेगी और हम सारों को रूही का दिल जीतना होगा ताकि वो निधि को नहीं हमें चुने। शुक्र है माता रानी का, जज साहब ने चंगा फैसला दे दिया। हे माता रानी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना ताकि छेती छेती रूही इस घर में आ जाए। तू तो हमेशा मेरी गल सुनती है, इनको भी बोल कि मेरी गल सुने। तुम सब सुनो जी, अब इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पुसूड़ी कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्यार होगा। और याद है ना हमने इशिता से क्या वादा किया है, हमें किसी हाल में भी रूही को इस घर में लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? पर दादी, रूही को लगता है कि हमारी फैमिली डिसफंक्शनल है, और वो तब तक डिसफंक्शनल रहेगी जब तक पापा और रेशिमा एक साथ नहीं हो जाते। रूही का दिल जीतने के लिए पापा और रेशिमा को साथ होना ही होगा, ताकि रूही देखे और उसे लगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, सब लोग पहले जैसे हो गए, सब लोग साथ हो गए। लेकिन दादी, मुझे लगता है उसके लिए रेशिमा को घर में होना चाहिए। पर आदि, इशिता का इस घर में रहना बहुत ऑकवर्ड होगा। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, उसकी लाइफ अब ऑस्ट्रेलिया में है, वो यहाँ पर रहेगी, आई डोंट नो, कुछ अजीब सा, मुझे नहीं लगता कि ये राइट डिसीजन है। अगर इशिता यहाँ वापस आ गई तो मेरा क्या होगा? रमन की लाइफ में मेरी क्या जगह रह जाएगी? नहीं नहीं शगुन पुत्र, आदि बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब रूही देखेगी ना कि रमन और इशिता एक साथ है, तभी तो वापस आएगी। तेनू याद नहीं, पहले भी रूही ने इन दोनों को मिलाया था। सही कहा मामी जी। ये तो मेरा पर्स है। शायद तुम भूल गई थी। मामी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, रूही के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अक्का और जीजू हैं, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों एक साथ रहे। टेम्परेरीली ही सही, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रूही लौट कर आ जाए तो यही सही रास्ता होगा। पर तुम्हें लगता है कि इशिता मानेगी इस बात के लिए? तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। क्या बोल रही हो तुम? मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ, वहां कैसे रह सकती हूँ अब मैं? पर अक्का, मम्मी जी, आदि, सभी लोग तो भी कब, मेरा उस घर में जाके रहना पॉसिबल नहीं है। मैंने कई साल पहले वो घर छोड़ा था, अब मैं। अक्का मैं समझती हूँ, लेकिन क्या हमारे पास और कोई चारा है? नहीं है ना। और आप जानती है ना कि रूही ने कोर्ट में क्या कहा है, इसीलिए आपका और जीजू का साथ में रहना बहुत जरूरी है। अगर रूही को वापस लाना है तो ये करना ही होगा ना। मैं रमन से बात करती हूँ इस बारे में। मुझे लगता है आदि ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अगर इस वक्त हमें रूही को वापस लाना है तो उसे भरोसा दिलाना होगा कि उसका परिवार एक है, और इसके लिए हम दोनों को एक साथ रहना होगा। उसे ये दिलासा देने के लिए कि उसका परिवार टूटा नहीं। रमन, मेरे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 30 दिन है अपने प्यार का एहसास कराने के लिए, उसे अपने करीब लाने के लिए, और इसीलिए हमारा साथ रहना बहुत जरूरी है। और इस बार हम सिर्फ रूही के लिए एक साथ रह रहे हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना मेरा ईगो, ना हमारे बीच की दूरियां, ना हमारे बीच की तकलीफें, whatever it is, सब कुछ बाद में, पहले रूही। Because हम दोनों जानते हैं कि हमारे लिए रूही से ज्यादा बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं, so रूही के लिए हमें करना पड़ेगा। इशिता, रूही के लिए, सिर्फ रूही के लिए। मैं भी ये शादी सिर्फ रूही की कस्टडी के लिए कर रहा हूँ। मुझे भी इसके बाद आपसे कोई रिश्ता नहीं बनाना है। सिर्फ रूही के लिए, सिर्फ रूही के लिए। मैं आके रहूंगी आपके साथ, सिर्फ रूही के लिए, सिर्फ रूही के लिए। ये सब रूही के लिए है मामा। पर आदि, ये कैसा सजेशन है? I understand कि रूही को मनाना है, पर इशिता का इस घर में रहना, it's gonna be so uncomfortable आदि। मामा, क्या आप नहीं चाहते कि रूही वापस घर आए? और उसके लिए यही सबसे बेस्ट आइडिया है। मामा प्लीज, हमेशा अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए, कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मामा, आप मेरी बात को गलत मत समझिए।
हम सब लोग यही चाहते हैं कि रूही वापस घर लौट आए, और इसके लिए हम सबको जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। मुझे लगा कि ऋषिमा को यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए मैंने सजेस्ट कर दिया। अब बाकी तो पापा और ऋषिमा डिसाइड करेंगे ना। पर आदि, मैं भी चाहती हूँ कि रूही वापस आ जाए, अपने परिवार के साथ रहे। जब रमन और मेरी शादी हो जाएगी तो उसे उसका परिवार मिल जाएगा। सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है आदि? मम्मा, लेकिन अभी आपकी और पापा की शादी नहीं हुई है, और क्या पता कि रूही आपको और पापा को साथ देखना चाहती है या पापा और ऋषिमा को। हाँ शीता, अभी मिलना चाहती हूँ, बट ठीक है, I'll see you। आरती की थाली ना बिल्कुल तैयार रखी, इतने दिनों के बाद मेरी बहू घर आ रही है। ओ, गल सुन। और ना बादाम का चंगा जी हलवा बना दे। ठीक है मम्मी जी, मैं बादाम का हलवा भी बना दूंगी और आरती की तैयारी भी कर ले। चल दौड़ जा, चेती चेती। ओ तोशी जी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? आपको तो पता है इशिता हमेशा के लिए नहीं आ रही है, वो कुछ दिनों के लिए आ रही है, ये सब टेम्परेरी अरेंजमेंट है। रमन शगुन के साथ शादी कर ही रहा था, वैसे पीहू भी शगुन को अपनी माँ मानती है। आप ये झूठे सपने मत देखो। भल्ला जी, ना तो मैं कोई झूठे सपने देख रही हूँ और ना ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, समझे आप। देखो, जब मैंने पता लगा था ना कि इशिता जिंदा है, मैंने यकीन ही नहीं आया था। मैं उस दिन से तड़प रही हूँ भल्ला जी कि मैं उसका गृह प्रवेश करूँ, और शुक्र है माता रानी का, वो दिन आ गया और मैं अपनी बहू की आरती उतारूंगी। फिर जब वो इस घर में कदम रखेगी ना, तो होड़ वो हमेशा के लिए इस घर में कदम रखेगी। मैं तानू उतारिया, मैं इशिता को किधर भी नहीं जाने दूंगी भला जी, जब तक मैं जिंदा हूँ। जी, शोन का क्या, यू का क्या, क्या कहेंगे हम उन दोनों से? वो छोड़ो ना भला जी, उसका टेंशन ना लो, वो सारा कुछ मैं संभालूंगी। तुसी मेरा एक काम कर दो, बहुत ढेर सारे फूलों के इंतजाम कर दो भला जी, मैंने अपनी बहू का स्वागत करना है। छेती छेती, मैंने बड़े काम करने, तुसी अपना काम करो, मैं अपना काम कर दिया। छेती छेती छेती। उसे जी, आप क्यों नहीं समझ रहे? आपने नहीं देखा, मुझे मालूम है शगुन इस सबसे खुश नहीं है। क्या बात है शीता, कुछ काम था? बैठो ना प्लीज। आप क्या लोगी, चाय कॉफी? मैं थैंक यू कहना चाहती थी, तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया है शगुन, द एंटायर फैमिली, मम्मी जी पापा जी सबका बहुत ख्याल रखा है। एंड हादी, कितना समझदार हो गया है वो, कितनी अच्छी बातें करता है, सब समझता है। और पीहू इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट, एंड बहुत ही समझदार है वो भी। ये भी सब तुम्हारी परवरिश के कारण है पीहू ना। पीहू, तुम्हारी अमानत थी मेरे पास। एक निशिता, अब वो मेरी दुनिया, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। वो मेरी बेटी है, मैंने उसे पाला है। जब भी मैं थकी आ रही घर पे आती हूँ, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, वो की स्माइल देखकर सब कुछ ठीक हो जाता है। निशिता, उसकी वजह से मुझे हर वो चीज मिली है से मैंने खोया है, माय आइडेंटिटी, फैमिली, परिवार। अब तुम्हारे आने से मैं बहुत इनसिक्योर हो गई हूँ। आई जस्ट डोंट, ये सब मेरा है, और आई थिंक मुझे जाना चाहिए, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कह दूं दैट आई डोंट मीन टू से। मैं शगुन, तुम्हें मैंने इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया था। शगुन, मैं तुम्हारी जगह छीनने नहीं आई हूँ,
मैं यही बताना चाहती थी. I could see this insecurity in you. मुझे पता चल रहा था शगुन, तुम भरोसा रखो. मजबूरी है, रूही के कारण मुझे उस घर में आना पड़ रहा है. And it's a temporary arrangement. तो तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीनना चाहती हूँ. प्लीज अगर भरोसा रख सको, मैं सिर्फ और सिर्फ रूही के लिए उस घर में आ रही हूँ. मुझे काम है, I have to leave. कैसे भरोसा दिलाऊं? सिर्फ रूही के लिए आ रही हूँ उस घर में. ये तुम्हारी कॉफी. मां कॉफी ले, चाय बनी है. आपड़िया सरिया माँ. अयो मैं कितनी केयरलेस हूँ. मैंने कॉफी के जगह पे चाय, मैं अभी कॉफी बनाती हूँ. अब केयरलेस नहीं हो, अब वर्ड हो. अम्मा आपको टेंशन हो रहा है ना कि मैं भल्ला हाउस चली जाऊंगी और आप ऐसा नहीं चाहते हो. मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है. तुमने शगुन को बोल दिया कि तुम रूही के लिए जा रही हो भल्ला के घर में, पर करना मैं तुम्हारी अम्मा हूँ. तुम अभी भी रमन से बहुत प्यार करती हो. मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती. अगर तुम्हें कुछ कुछ परेशानी हो गई तो मैं वो देख नहीं पाऊंगी. अगर तुम मुझे छोड़ के चली अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी. जो कुछ भी 7 साल पहले हुआ था ना अम्मा, अब वो रिपीट नहीं होगा. मैं अम्मा रूही के लिए ही जा रही हूँ. एंड अम्मा मुझे स्ट्रांग रहना है, पर मेरी स्ट्रेंथ आप हो. तो प्लीज अम्मा मेरी हेल्प कीजिए इस फाइट में. मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इतनी दूर नहीं. अपना ध्यान रखना. रुक जाए शीता. गृह प्रवेश करूंगी. सिमी सारी फोटो खींच, जब रूही आएगी तो उसको दिखानी है ना ये फोटो. तो इसीलिए सारी रस्में भी करनी पड़ रही है ना. अच्छा मेरा बच्चा आ जा. सामान तुम्हारे रूम में रख दूं सिमी? नहीं पुत्र, तू रमन के कमरे में रहेगी ना. मतलब तू सही कि जब भी तो ऐसा लगेगा ना कि सारा कुछ पहले जैसा है. हाँ एक्चुअली तुम
कमरे में रह लेना, मैं हॉल में सो जाऊंगा। नहीं पुत्र, रूही को लगना चाहिए कि उसके मम्मा पापा फिर से उसके खातिर एक हो गए हैं। तू इधर सोएगा तो फिर इस घर में पीहू भी रहती है। पीहू का तू उसकी चिंता ना कर पुत्र, मैनू पता है पीहू को की बोलना है। जा तू रमन भाई के रूम में अपना सामान रख दे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।